सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। फिल्म का एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्य विपक्षी पार्टी खुलकर विरोध कर रही है, वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार एमएसजी को लेकर असमंजस में दिख रही है। शनिवार को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि फिल्म रिलीज को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और फिल्म रिलीज के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उनके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानूनन व्यवस्था को कायम रखा गया है। हालांकि खट्टर ने माना है कि फिल्म का एक समुदाय विरोध कर रहा है। इससे पहले हरियाणा सरकार के मंत्रियों की एमएसजी को लेकर अलग अलग राय निकलकर सामने आ चुकी है। अभी तो कल तक उनको सर्टिफिकेट मिला नहीं था, कल उन्होंने अपना प्रीमियर शो करना था, वो चूँकि सर्टिफिकेट नहीं मिला था इसलिए नहीं कर पाए। अब क्या कुछ उनको सर्टिफिकेट मिलता है, कैसे होगा और कब वो उसको रिलीज करेंगे, ओनली आफ्टर दैट। आपको क्या लगता है, सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज अपोजिंग इट, इस तो ज़्यादा अजय कुछ नहीं। एट द टाइम ऑफ द सिचुएशन वी डिसाइडेड। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।